भारत और नेपाल स्वाभाविक मित्र देश है। माता सीता और राम के वक्त से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, हमारी रूठी बेटी का रिश्ता है। और ऐसे में दो देश की राजनीतिक सीमाएं अलग हो सकती हैं, दो देशों का मन अलग होंगे, वतन अलग होते हुए भी भारत और नेपाल का मन एक है, विचार एक है, धर्म संस्कृति पूर्वज एक है और इसको कोई तोड़ नहीं सकता। जो प्रचंड जी ने कहा वो सही है। ओली जी को भी इस बात को मानना पड़ेगा क्योंकि ये वहाँ नेपाल की जनभावना है जो प्रचंड जी ने कहा है। और मैं तो नेपाल के बच्चे बच्चे को जानता हूँ और नेपाल के करोड़ों भाई बहन मुझसे प्रेम करते हैं। मैं नेपाल की जनता की ओर से और भारत की जनता की ओर से दोनों की तरफ से एक बात कहूँगा, भारत और नेपाल की मैत्री में ही भारत और नेपाल दोनों देशों का उत्कर्ष है, हित है और हम मिलकर के ही आगे बढ़ पाएंगे। चाइना हमारा कभी मित्र नहीं हो सकता, वो हमारा परंपरागत शत्रु है। वो तात्कालिक रूप से हो सकता है कुछ प्रलोभन दे सकता है, लेकिन चीन सदा से एक धोखेबाज, एक जाहिल किस्म का एक साम्राज्यवादी देश रहा है और उसकी उपनिवेशवादी नीति में भारत और नेपाल दोनों का ही अहित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।